हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ जो कि हमारे पास निकल कर आई है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी है इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 जो कि 3038 जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, फायरमैन के लिए और ट्रेडमैन मेट पोस्ट के लिए निकाली गई है। ये एक ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, जिसके लिए आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बातें करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। एप्लीकेशन मोड आपके लिए कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है। अगर वही बात करें कौन कौन से कैंडिडेट्स से अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटोरी से बिलोंग करते हों, इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन दोस्तों अक्रॉस इंडिया होगी, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। फायरमैन के लिए 626 पोस्ट निकाली गई है, ट्रेड्समैन मेट के लिए 2313 पोस्ट निकाली गई है। वहीं बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट की, तो इसके लिए 99 पोस्ट रखी गई है। इस प्रकार से हमारे पास टोटल वैकेंसी है 3038। वहीं अगर सैलरी की बात करते हैं तो ट्रेड्समैन मेट को मिल जाएंगे 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ, और फायरमैन एंड जूनियर असिस्टेंट को मिलेंगे 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ। अगर कैटेगरी वाइज डिटेल की बात करें तो अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट्स के लिए इसे 1,214 रखा गया है। वहीं एससी कैंडिडेट्स के लिए 460 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 229 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 307 वैकेंसी है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 828 वैकेंसी है। आयु सीमा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 40 वर्ष रखी गई है, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 से 43 वर्ष रखी गई है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 21 से 45 साल रखी गई है। अगर बात की जाए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास, आईटीआई पास या फिर कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का, तो सिलेक्शन कम्प्लीटली बेस्ड होगा एसएसबी इंटरव्यू साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन पे। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यह फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसे अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करना होगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म को फिलअप करने का स्टार्ट डेट और एंड डेट दोस्तों अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगी। अगर बात की जाए कि इस फॉर्म के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे दोस्तों, तो कुछ इसके लिए सिंपल स्टेप्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, इंडियन आर्मी नोटिफिकेशन 2022 जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitmenthub.in पे विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इंडियन आर्मी नोटिफिकेशन 2022 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा। आपको सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद लास्ट में आपको चार इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे। पहला लिंक दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, इस पर क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो ताकि कोई भी नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सके। दूसरी लिंक दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट की है, जबकि तीसरी लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की है। इस लिंक पर दोस्तों क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फिर आपको दोस्तों ये फोर्थ लिंक पर क्लिक करना है और फॉर्म को फिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।